दिस इज द ड्यूरा मैटर ऑफ द मेनिंजीज. ठीक है, ये आपके मेनिंजीज है जिनमें से ड्यूरा मैटर है. आपको पता है मेनिंजीज की दो लेयर होती है, एक एंडोस्टियल लेयर और एक मेनिंजियल लेयर. एंडोस्टियल लेयर तो जाहिर है वो ब्रेन की जो स्कल की इनर लेयर है उसके साथ टोटली एडहेरेंट होती है, उसे तो हम अलग नहीं कर सकते. दिस इज एक्चुअली द मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर जिसे हमने अलग किया. अब जो मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर है इसकी इनर सर्फेस पे हम कहते हैं कि एरेक्नॉइड मैटर जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान में कोई छोटी सी स्पेस होती है जिसे हमने सब ड्यूरल स्पेस कहा था. इतनी कोई प्रोमिनेंट नहीं होती, इसीलिए हम कहते हैं कि ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर जो है वो एक साथ अलग होते हैं, और इस ड्यूरा मैटर की मेनिंजियल लेयर के इनर सरफेस पे हमें एरेक्नॉइड मैटर जुड़ा हुआ मिलेगा. ठीक हो गया. अच्छा, वो है नहीं लिखे? नहीं, बस हम कह देते जुड़ा हुआ, कुछ अलग से नहीं है, एक ही शीट है. देन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बात है वो इसके फोल्ड्स ऑफ ड्यूरा मैटर है. अब सबसे पहले इसकी एंटीरियर पोस्टीरियर कौन सी शक्ल है, और लैटरल मीडियल तो खैर होती नहीं है, इंटीरियर पोस्टीरियर बेसिक बात है. पीछे जहाँ पर आपको ये नजर आए, एक क्रॉस सा बना हुआ नजर आया, लाइक अ क्रिश्चियन क्रॉस, सी ऐसे ऐसे पूरा एक प्लस साइन, ये आपकी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ड्यूरा होगी, मैटर होगी. और जो बिल्कुल सीधी सीधी सी जगह हो जिसपे कुछ भी ना हो, ये एंटीरियर होगी, क्योंकि पीछे इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस बनती है. देन उसके बाद अब इसके फोल्ड्स कैसे बनते हैं. सबसे पहले वी नो के दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऐसे सेंटर में आके जुड़े होते हैं. जब वो सेंटर में आके जुड़ते हैं तो उनके दरमियान में ऐसे करके ड्यूरा मैटर फोल्ड कर जाता है, इन फोल्ड जैसे ही आपको अंदर से नजर आ रहा है. दिस वन, ये जो फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर है, ये एक साइड पे इसके एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, दूसरी साइड पे इसका दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर होगा, जो पूरा सेंट्रल फोल्ड है. दिस इज कॉल्ड फॉक्स सेरिब्राए. फॉक्स सेरिब्राए है जो आगे से हमारे क्रिस्टा गैलाई से स्टार्ट होता है और पीछे इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस पे जहाँ कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस बनती है वहां पर आके खत्म हो रहा है फॉक्स सेरिब्राए. फॉक्स सेरिब्राए के बाद जब आप देखते हैं तो ये वाला आपको बड़ा सा फोल्ड नजर आता है जिसने आपके स्कल के पोस्टीरियर सरफेस को बिल्कुल एक चादर की तरह कवर किया होता है, और आपके लोअर ब्रेन यानी आपके हाइंड ब्रेन को आपके सारे फोर ब्रेन से सेपरेट करता है. ये जो फोल्ड है सारा, दिस वन, दिस इज टेंटोरियम सेरिबेलाई. टेंटोरियम सेरिबेलाई आपने पढ़ा हुआ कि पीछे इसके अटैचमेंट ऑक्सीपिटल इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से होती है, देन ट्रांसवर्स सल्कस से होती है, देन सिग्मोइड सल्कस से होती है, और उसके बाद इसका फ्री मार्जिन शुरू हो जाता है जिसका एक कोना भी आपको नजर आ रहा है जो एंटीरियर क्लिनाइड प्रोसेस पे अटैच होगा, ये होगा, एंड देन दरमियान में टेंटोरियल नॉच बन जाएगी. तो ये आपका सारा जो फोल्ड है, दिस इज टेंटोरियम सेरिबेलाई. ये आपका फॉक्स सेरिब्राए आ गया था. तीसरा फोल्ड होता है टेंटोरियम सेरिबेलाई. ये टेंटोरियम सेरिबेलाई जो मैंने फॉक्स सेरिबेलाई, टेंटोरियम सेरिबेलाई के नीचे से जो फोल्ड आता है बीच बीच में होता है, ये सेरिबेलम के बीच में होता है. ये वाला अगर सेरिब्रम के बीच में था तो ये फोल्ड जो है सेरिबेलम के दरमियान में होता है ताकि सेरिबेलम को तन्हाई महसूस ना हो. तो ये वाला जो फोल्ड होता है, दिस इज कॉल्ड फॉक्स सेरिबेलाई. ठीक हो गया. चौथा फोल्ड डायफ्राग्म मसेला होता है, वो बहुत छोटा सा होता है, डायफ्राग्म मसेला उसे कवर कर रहा होता है, वो यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहा, गायब हो चुके हैं. देन जो आपको यहाँ पर पहचाननी है चीज, दिस इज द इंटरनल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस. यहाँ इस लेवल पे होगी जहाँ पर कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस हो रही है. इधर से राइट और लेफ्ट ट्रांसवर्स सल्कस है जहाँ ट्रांसवर्स साइनसेस रन करते हैं, और इसके पीछे ये वाली जो एरिया है यहाँ आपका ऑक्सीपिटल साइनस रन करता है. ठीक है, ऑक्सीपिटल साइनस के अलावा जो अपर मार्जिन ऑफ फॉक्स सेरिब्राए यहाँ पर आपको सुपीरियर सेजिटल साइनस रन करता है, और लोअर मार्जिन ऑफ फॉक्स सेरिब्राए पे इन्फीरियर सेजिटल साइनस रन करता है. देन सरफेस ऑफ द टेंटोरियम सेरिब्राए के ऊपर एंटीरियर ऊपर वाली सरफेस पे, ये तो इस वक्त मुझे नीचे वाली सरफेस नजर आ रही है, इसके ऊपर वाली सरफेस पे जहां पर ये आपका इन्फीरियर सेजिटल साइनस खत्म हो रहा है और पीछे की तरफ जहां आपका सुपीरियर सेजिटल साइनस खत्म हो रहा है, ये दोनों जुड़ते हैं विद द स्ट्रेट साइनस. ठीक है, समझ आई बात. इधर इन्फीरियर सेजिटल साइनस खत्म होगा, पीछे आपका सुपीरियर सेजिटल साइनस खत्म होगा, दोनों स्ट्रेट साइनस से आके ऐसे जुड़ जाएंगे. और एग्जैक्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है, मुझे पता चला है वो ये कि इन्फीरियर सेजिटल साइनस पे सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, तो आपकी जो ग्रेट सेरिब्रल वेन है इट इज ड्रेनिंग इन द इन्फीरियर सेजिटल साइनस यहाँ पे, जिसके बाद ये पीछे इसकी टेंटोरियम सेरिब्रा की सुपीरियर सर्फेस पे स्ट्रेट साइनस बना देते हैं. उसके अलावा जो आपको यहाँ नजर आती है, दीज आर द मेनिंजियल वेन्स और आर्टरीज, ये जो आपको काली काली सी नजर आ रही है, ये सारी की सारी आपको थोड़ी थोड़ी प्रोजेक्शंस हैं अजीबो गरीब, ये सारी की सारी आपकी मेनिंजियल आर्टरीज और वेन्स हैं जो आपको इस ड्यूरा मैटर के ऊपर नजर आएंगी, कि वो इन्हीं पे रन करती हैं. और ये एंटर कहाँ पर होती हैं, एक पॉइंट होता है टेरियन, पी से शुरू होता है, पी साइलेंट, पी टी ई आर आई वन स्पेलिंग है उसकी, टेरियन. अगर आप ऊपर से स्कल को देखें तो आपका स्कल की पराइटल बोन ऐसे आपको आगे की तरफ एंटीरियर सरफेस के साइड पे प्रोजेक्टेड सी नजर आती है, उसकी बिल्कुल एक साइड पे टेम्पोरल बोन होती है और आगे की तरफ फ्रंटल बोन होती है, तीन बोन्स का जंक्शन होता है, दैट पार्ट इज नॉन एज टेरियन, और उसे हम कहते हैं कि वीकेस्ट पार्ट ऑफ पराइटल बोन है. उस जगह से ये आपकी मेनिंजियल वेन्स और आर्टरीज एंटर होती हैं और वो आपके स्कल को सप्लाई करती हैं. सो मेनिंजीज के बारे में दिस इज ऑल. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क.